टोयोटा फॉर्च्यूनर है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं रिट्रैक्ट मिरर का बटन दबाता हूँ तो रिट्रैक्ट मिरर काम नहीं कर रहा है। रिट्रैक्ट मिरर अपनी पोजीशन पे काम नहीं कर रहा है। और जैसे ही मैं रिट्रैक्ट मिरर काम नहीं कर रहा है और जैसे ही मैं लॉक का बटन दबाता हूँ तो लॉक के बटन के साथ साइड मिरर जो है वो रिट्रैक्ट काम करते हैं। अब मैं इसे अनलॉक करता हूँ तो अनलॉक पे साइड मिरर ओपन हो जाता है और जैसे मैं लॉक कर रहा हूँ तो लॉक पे बंद हो जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना इस पे होना चाहिए कि इसका जो बटन है एक्चुअल इस पे होना चाहिए कि इस पे बंद हो और ऑन हो। टोयोटा फॉर्च्यूनर है न्यू मॉडल, उसमें ये प्रॉब्लम है। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो अनलॉक पे साइड मिरर, तो मैं चेक करता हूँ क्या मसला है इसके अंदर। मसला हल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें निकला क्या।